नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर है यूपी के जनपद बदायूं से। बदायूं में पत्नी ने ही पति को उतारा था मौत के घाट। 24 मई को पत्नी ने पति को राट मार कर की थी हत्या। लूट की झूठी साजिश बनाकर पुलिस को किया गुमराह। पुलिस ने 24 मई को हुई हत्या में किया बड़ा खुलासा। आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। पति की सोते समय सिर में राड मार कर पत्नी ने की थी हत्या। पत्नी ने ही पति की हत्या कर थाने में अज्ञात बदमाशों पर लूट का विरोध करने पर हत्या करने का लगाया था आरोप। पूरा मामला इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के अलीपुर की मढ़ैया गांव का है। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज चैनल के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ। देखिए, दिनांक 24/5 को प्रातःकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि इस्लाम नगर के गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उसकी पत्नी ने बताया कि चार बदमाश घर में घुसे थे, जिन्होंने उनसे उनके जेवर ले लिए, पैसे ले लिए और पति के सर पे वार करके, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, वो चले गए। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद और मौके पर जाँच पड़ताल करने के बाद इस घटना के अनावरण के लिए, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील घटना थी, 3-4 टीमें लगाई गईं और करीब 48 घंटे के प्रयास के बाद इस घटना का खुलासा करते हुए इस घटना में जो अभियुक्त महिला पत्नी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पे हत्या का वेपन भी बरामद कर लिया गया है। और उन्हीं की निशानदेही पे जो जेवर वो उनके द्वारा बताया गया था कि बदमाश ले गए, वो जेवर भी बरामद करा दिए गए हैं उनके द्वारा। घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने पे ये पता चला है कि जो अभियुक्ता है उनका अपने पति से पिछले 11 सालों से जमीन बेच करके जो पैसे उसने ब्याज पर लगाए थे उसको लेकर के विवाद चल रहा था। उनका ये भी कहना है कि पति ने सारे पैसे दूसरों को दे दिए थे, घर में वो कोई पैसा देता नहीं था और उस बात को लेकर के घर में झगड़ा होता था। घटना की रात में भी जब पति वापस आया काम से, उनका इन्हीं बातों को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें जो अभियुक्ता है उसने उनके सर पे लोहे की रॉड से वार किया और पति के गिर जाने के बाद दोबारा वार करके उसकी हत्या कर दी। और फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने एक झूठी कहानी बनाई, जिसमें उसने बताया कि बाहर से बदमाशों ने आकर के लूटपाट के सिलसिले में पति की हत्या कर दी। घटना के खुलासे के बाद अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पे हत्या का वेपन और जो लूटपाट के जो जेवर थे उन्हीं की निशानदेही पे जो लूटे नहीं गए थे उनके द्वारा छुपाए गए थे वो बरामद कर लिया गया है। उनसे पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।